दक्षिण और पूर्वी जापान में गुरुवार से भारी बारिश हो रही है। ह्योगो, ओकायामा, फुकुओका, नागासाकी, सागा, हिरोशिमा और टोटोरी प्रांत में बाढ़ आ गई है। बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 38 की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर ह्योगो, ओकायामा, नागासाकी प्रांत पर पड़ा है। यहाँ के कई इलाकों में 100 सेमी तक बारिश दर्ज की गई। सड़कों पर 16 फीट तक पानी भर गया है। जापान के रक्षा मंत्री इत्सुनोरी ने बताया, सशस्त्र सेना के लगभग 48,000 जवानों को राहत अभियान के लिए लगाया गया है, जबकि 21,000 जवानों को इसके लिए तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने रविवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह एक घंटे में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ से दक्षिण जापान के शहरों में लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए सड़कों पर नावें चलानी पड़ी। भूस्खलन की आशंका के चलते बाढ़ प्रभावित शहरों के कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। हिरोशिमा, ओकायामा और क्योटो के कई इलाकों में पानी कई बहुमंजिला इमारत की पहली फ्लोर तक पहुंच गया। लोगों को घर से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा।